एवरीवन, आज हम क्लास 10th चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, लेकिन हमने आपको यह नहीं बताया था कि करंट फ्लो क्यों करता है, हमारा चार्ज फ्लो क्यों करता है। तो इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि आखिर हमारा करंट किसी कंडक्टर में फ्लो क्यों करता है, उसका बेसिक रीजन क्या है। तो आप इसको वाटर के एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। सपोज ये हॉरिजॉन्टल ट्यूब है और इसमें हमारा वाटर फिलअप है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यदि हमारी ट्यूब हॉरिजॉन्टल होती है उस कंडीशन में इसमें वाटर फ्लो नहीं करेगा, राइट। क्योंकि अगर आप हाइट की बात करें तो दोनों तरफ से हाइट सेम है, यहां पर कोई भी डिफरेंस नहीं है हाइट के लेवल का, राइट। और यदि आप इस ट्यूब को इंक्लाइन कर दें, राइट, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा हाई लेवल पे पहुंच जाएगा और ये हमारा लो लेवल पे पहुंच जाएगा और वाटर फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। इट मीन्स वाटर फ्लो फ्रॉम हाई लेवल टू द लो लेवल, राइट। सिमिलरली हमें चार्जेस में करना पड़ता है, राइट। चार्ज फ्लो करने के लिए हमें उसके दोनों एंड पर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना होगा, इट मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना होगा, तब हमारे चार्जेस मोशन में आते हैं। और ये पोटेंशियल डिफरेंस हम क्रिएट कर सकते हैं बाय सेल, बाय बैटरी। आप देखते भी हैं कि बैटरी हमारे बहुत सारे सेल से मिलकर बनती है, राइट। और सेल्स में क्या होता है बेटा, केमिकल्स होते हैं और वही केमिकल एनर्जी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करती है, राइट। अगर आप सेल लेकर आते हैं 1.5 वोल्ट का सेल, 3 वोल्ट का सेल, 9 वोल्ट का सेल, राइट, तो यदि आप उसे किसी बल्ब से, कंडक्टर से कनेक्ट नहीं करते हैं तब भी उसके अंदर पोटेंशियल होता है, तब भी उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस होता है। एक हाई पोटेंशियल होता है, एक लो पोटेंशियल होता है। देयर आर टू टर्मिनल्स, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। और यदि आप उस पोटेंशियल डिफरेंस को, उस सेल को, बैटरी को किसी कंडक्टर से कनेक्ट करते हैं तो वो पोटेंशियल डिफरेंस इसके चार्ज को सेटअप करेगा इन मोशन, हमारे चार्जेस सब मोशन में आ जाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट टूवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, इट मीन्स करंट फ्लो करता है, राइट। और यदि हमें मेंटेन करना है करंट किसी भी कंडक्टर में, यदि हम किसी भी कंडक्टर में करंट को मेंटेन रखना चाहते हैं कि करंट हमारा फ्लो होता रहे, तो उस कंडीशन में सेल अपनी केमिकल एनर्जी एक्सपेंड करता रहता है, खर्च करता रहता है। इसलिए आप देखते हैं कुछ टाइम के बाद वो अपनी एनर्जी खत्म कर देता है, क्यों, क्योंकि करंट फ्लो कराने के लिए वो केमिकल एनर्जी जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रही है वो खत्म होती जा रही है, इसलिए सेल कुछ टाइम बाद खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। तो आइए अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इट इज डिफाइंड एज वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, इट इज डिनोटेड बाय बी। तो आप देख सकते हैं इन्होंने ये कहा है कि किसी यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से, राइट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लाने के लिए हमने जितना वर्क डन किया है उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अब आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि सपोज हमने यहां पर एक चार्ज कंसिडर किया है Q, राइट, और आप ये जानते हैं कि जो सेम चार्जेज होते हैं वो रिपेल करते हैं और जो अनलाइक चार्जेज होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। और जिस तरह से मैग्नेट का एक अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है, राइट, कि सपोज एक मैग्नेट है तो उसके जो आसपास का रीजन है जहां तक वो किसी अदर मैग्नेट पर फोर्स अप्लाई कर सकती है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, राइट। जैसे आप मोबाइल में देखते हैं कि कभी कभी नेटवर्क नहीं आते हैं, तो नेटवर्क क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि जो टावर है वो उसकी रेंज से बाहर है, राइट। तो सबकी एक पर्टिकुलर रेंज होती है, तो सिमिलरली चार्जेस की भी रेंज होती है कि वो किसी दूसरे चार्ज पर कहां तक फोर्स अप्लाई करता है और उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो सपोज हमने जो चार्ज कंसिडर किया है उसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया बेटा, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर जो भी चार्ज होगा उस चार्ज पर ये वाला चार्ज फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, उसको अफेक्ट नहीं करेगा। जैसे ही कोई चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगा उस पर ये फोर्स अप्लाई करता है, राइट। तो आप डेफिनेशन देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं,
इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर का एरिया हमारा इन्फिनिटी का आ जाएगा, राइट। अब हम इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं किसी पर्टिकुलर चार्ज को, ठीक है। आप इसे क्यू नॉट कंसिडर कीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और हम इसको क्यू कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब हम इस क्यू चार्ज को लेकर आ रहे हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है। तो आप देखिए, जब तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर हैं तब तक हम आराम से लेकर आ जाएंगे, क्योंकि हमको यहां पर कोई भी बगड़म नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं है। आप किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई कब करते हैं? जब फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है। आप बगड़म तभी करते हैं जब फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे हाथ में मार्कर है और इस मार्कर पर अर्थ एक ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करती है, राइट। और यदि मुझे इस मार्कर को अपने हैंड में रोकना है तो मुझे उतना ही फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ेगा, तब ये यहां पे रुक सकता है, अदरवाइज ये नीचे चला जाएगा, राइट। सपोज यहां पर अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड ना हो तो मुझे इस पर भी फोर्स अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस पर उस कंडीशन में कोई भी वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई नहीं होगा, तो मुझे भी अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लेकिन जहां पर भी फोर्स अप्लाई होता है, जहां पर भी फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है, वहां पर हमको वर्कडाउन करना पड़ता है, राइट। तो आप देख सकते हैं कि यदि हम इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ए पॉइंट पर किसी चार्ज को लेकर आते हैं, राइट, तो पहले वाला चार्ज इस चार्ज पर रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा और उस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट में हमको वर्कडाउन करना पड़ता है, राइट। वर्कडाउन का फॉर्मूला आपको पता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। इट मीन्स जितना फोर्स ये वाला चार्ज इस चार्ज पर अप्लाई करेगा उतना ही फोर्स हमको अप्लाई करना पड़ेगा, और जितने डिस्टेंस हम कवर करते हैं यदि हम उसकी मल्टीप्लाई करते हैं फोर्स से, तो निकल के आता है वर्कडन, राइट। और यदि उस वर्कडन को हम चार्ज से डिवाइड कर दें तो हमारा निकल जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट। तो कहने का मीनिंग ये है कि यदि हम किसी चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट लेकर आते हैं, तो उस कंडीशन में जो भी हमने वर्कडन किया है उसको यदि चार्ज से डिवाइड कर दें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल जाएगा, राइट। आप एक चीज और देखिए, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। इट इज डिफाइंड एज द वर्कडन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। इट मीन्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना भी हमने वर्कडन किया है उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो आप सपोज कीजिए कि हमने ए पॉइंट तक जितना वर्कडन किया है और हमने उसे चार्ज से डिवाइड कर दिया तो हमारा निकल गया वी ए, राइट। और यदि हम पॉइंट बी तक आ गए, पॉइंट बी तक आ गए, तो हमारा पोटेंशियल हो गया वी बी, राइट। और हम आपसे पूछे कि इन दोनों में कौन सा पोटेंशियल ग्रेटर होगा, वी बी ग्रेटर होगा या फिर वी ए ग्रेटर होगा, तो आप कैसे बताएंगे? तो आप देख सकते हैं कि जो क्यू नोट है उसकी डिस्टेंस बी के पास है और ए से दूर है, इट मीन्स वो बी पर ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा और ए पर कम फोर्स अप्लाई करेगा, इट मीन्स हमको बी तक ले जाने के लिए ज्यादा वर्कडन करना पड़ेगा। और यदि हमें बी तक मूव कराने के लिए ज्यादा वर्कडन करना पड़ता है, इट मीन्स हमको पोटेंशियल भी ज्यादा मिलता है, राइट। तो कहने का मीनिंग ये है कि वी बी का पोटेंशियल वी ए के पोटेंशियल से ग्रेटर होगा, तो हम लिख सकते हैं वी बी माइनस वी ए, क्योंकि वी बी ग्रेटर है, वी ए हमारा ग्रेटर नहीं है क्योंकि डिस्टेंस हमारी क्लोज है, यहां पर ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है तो ज्यादा वर्कडन होता है और ज्यादा वर्कडन होता है तो ज्यादा पोटेंशियल होता है। सो वी बी माइनस वी ए इक्वल टू वर्कडन अपॉन चार्ज, और जिस चार्ज को हम लेकर आते हैं हम उसी की बात कर रहे हैं, राइट। और आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम चार्ज लेकर आते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेकर आते हैं, अंडरस्टूड। ये भी एक मेथड है कि जब भी हम चार्ज लेकर आएंगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेकर आएंगे, तो जितना भी हम वर्कडन करते हैं वो सारा इक्वल हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो अब बात करते हैं यूनिट की, ऐसा यूनिट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फॉर्मूला होता है वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, वर्कडन की यूनिट होती है बेटा जूल, राइट, और चार्ज की यूनिट होती है कूलम, तो जूल पर कूलम, और हम इसको वोल्ट भी कहते हैं, राइट। तो आपको ध्यान रखना है यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। यदि क्यू हमारा वन कूलम होगा, यदि हम यूनिट चार्ज को लेकर आते हैं तो वही पोटेंशियल डिफरेंस, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्कडन के इक्वल हो जाता है, V इक्वल टू W। और आइए अब बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ वन वोल्ट। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
और बड़ा सिंपल भी है। V equal to W upon Q, as you know very well, if W equal to 1 joule, Q equal to 1 coulomb, then V equal to 1 volt. यदि W हमारा 1 joule हो जाए और Q हमारा 1 coulomb हो जाए तो 1 upon 1, 1. तो V कितना हो जाएगा बेटा? 1 volt हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 1 volt equal to 1 joule upon 1 coulomb equal to 1 joule coulomb inverse, right? तो कहने का मीनिंग ये है कि 1 coulomb का चार्ज है, हम उसको मूव कर रहे हैं और उसको मूव करने के लिए हमें बगडन की रिक्वायरमेंट होती है 1 जूल, तो हमको पोटेंशियल मिलता है 1 वोल्ट। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब। यानी कि 1 जूल का बगडन हमको करना पड़ता है 1 कूलम्ब के चार्ज को मूव करने के लिए फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट, राइट। और यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन भी साथ साथ कर सकते हैं। यदि आप एक पॉइंट को इन्फिनिटी कंसिडर कर लें तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी? इट इज द पोटेंशियल इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब फ्रॉम इन्फिनिटी टू पर्टिकुलर पॉइंट। तो हम एक ही डेफिनेशन से दोनों डेफिनेशन बना सकते हैं। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन की बात करते हैं। पेज नंबर 202। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यदि हमें कंडक्टर में करंट को मेंटेन रखना है, करंट के फ्लो को मेंटेन रखना है, तो जो हमारी केमिकल एनर्जी होती है बैटरी की और सेल की वो एक्सपेंड होती है। इट मीन्स इसका आंसर आएगा बैटरी, राइट। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ट बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। और इसका आंसर मैंने अभी आपको बताया है। As we know, V equal to W upon Q. If W equal to 1 joule, Q equal to 1 coulomb, then V equal to 1 volt. Right? और definition मैं आपको लिखवा चुका हूँ। How much energy is given to each coulomb of charge passing through a 6 volt battery? तो सबसे पहले देखिए हमको इसमें क्या क्या गिवन है। तो आप देख सकते हैं हमको चार्ज गिवन है Q equal to 1 coulomb, हमको V गिवन है 6 वोल्ट, राइट। हमने 1 कूलम इसलिए लिया है क्योंकि उसने ईच बोला है, राइट। और हमको एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तो जैसे कि आपको पता है वर्क डन हमारा एनर्जी के इक्वल होता है। एज वी नो V इक्वल टू W अपॉन Q एंड W इक्वल टू V इनटू Q। व्हाट इज V? 6 एंड व्हाट इज Q? 1। इट मींस W इक्वल टू 6 जूल। सो दिस इज द आंसर। इतनी एनर्जी की हमको रिक्वायरमेंट है। We have discussed about electric current and electric potential difference. तो आइए अब बात करते हैं कि electric current को measure कौन करता है और electric potential difference को measure कौन करता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ammeter measures electric current in a circuit. Ammeter वो instrument है जो किसी circuit में electric current को measure करने का काम करता है। It is always connected in series in a circuit through which the current is to be measured. जिस circuit में current हमको measure करना है वहाँ पर ये series में connect होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा स्कीमेटिक डायग्राम है जिसमें ये बैटरी है, ये हमारा बल्ब है एंड दिस इज स्विच, राइट, जिसे हमने कैसे डिनोट किया है। और आप देख सकते हैं कि जो एमिटर है वो उस सर्किट में सीरीज में कनेक्ट है, राइट। सीरीज का मींस जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का वो नेगेटिव पार्ट से कनेक्ट होगा और पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट होगा। तो ये हमारा सीरीज कनेक्शन होता है। Voltmeter measures potential difference. It is always connected in parallel across the points between which the potential difference is to be measured. तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा बल्ब है हमने इसके across में voltmeter को connect किया हुआ है, right? और आप देख सकते हैं कि this is positive, so this is also positive and this is negative, so this is also negative. क्योंकि इसका ये वाला part negative होगा, ये वाला part positive होगा। और जिसके across हमको potential difference calculate करना है उसी के अक्रॉस हम वोल्टमीटर पैरेलल पे लगा देते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि हम एमीटर को सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं और वोल्टमीटर को पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको जब देंगे जब हम रेजिस्टेंस को पढ़ लेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, जब हम रेजिस्टेंस क्लियर कर लेंगे तब हम आपको इसका आंसर जरूर बताएंगे। सो टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट एंड सम एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस मोर टॉपिक। Stay home, stay healthy. Thank you, class.